नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं पुलिस वाला न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। इंदौर नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस का एंटी माफिया अभियान एक दिन के आराम के बाद मंगलवार को फिर से शुरू हुआ। इस बार रिमूवल टीम के निशाने पर रहा बदमाश रघुवीर का 3 मंजिला मकान। सुबह निगम दलबल के साथ द्वारिकापुरी क्षेत्र में पहुंचा। यहां पर टीम ने बदमाश के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। नगर निगम की रिमूवल कार्यवाही का महिलाओं ने जमकर विरोध किया। मकान के दस्तावेज दिखाते हुए कहती रही, यह मकान रघुवीर का नहीं है। जमीन पर बैठी महिलाएं आशियाने को टूटता देख फफक पड़ी और यही कहती रही, मेरे घर को मत तोड़ो। जिला प्रशासन और पुलिस का एंटी माफिया अभियान के तहत नगर निगम की रिमूवल टीम सुबह 100 से ज्यादा दलबल और जेसीबी पोकलेन मशीन लेकर गुंडे रघुवीर के मकान को ध्वस्त करने द्वारिकापुरी के आकाश नगर पहुंची। जैसे ही टीम ने यहां पर कार्यवाही की शुरुआत की, बड़ी संख्या में परिवार की महिलाएं कार्यवाही के विरोध में आगे आ गई। हाथों में मकान के दस्तावेज लिए वे चीख चीख कर कहती रही कि यह मकान रघुवीर का नहीं है, चाहे तो कागजात देख लो। जब उनकी किसी ने नहीं सुनी और इसी बीच निगम ने अपनी कार्यवाही शुरू कर दी, सबसे पहले टीम ने घर से सामान बाहर निकाला और फिर जेसीबी ने दीवार पर पंजा मारा। पंजा लगते ही दीवार ढहनी शुरू हो गई। यह देख महिलाएं जमीन पर बैठकर रोने लगी, बस यही कहती रही, मेरे मकान को मत तोड़ो। विरोध के बीच करीब 1.5 घंटे की कार्यवाही के बाद निगम ने 3 मंजिला मकान को जमींदोज कर दिया। बताया जा रहा है कि रघुवीर के खिलाफ अलग अलग थानों में 1 दर्जन से अधिक अपराध दर्ज है। उसने यहाँ पर सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कर लिया था। कार्यवाही के दौरान 3 थानों का बल मौके पर मौजूद रहा। आपको बता दें कि पुलिस ने 15 बड़े गुंडे और माफियाओं की लिस्ट बनाई है। निगम के साथ मिलकर इन पर कार्यवाही की जा रही है। इसके पहले साजिद चंदनवाला, जितेंद्र उर्फ नानू तायड़े, मनोहर वर्मा, अश्विन सिरोलिया, अरुण वर्मा, लकी वर्मा, गुंडे रवि काला, हिस्ट्री शीटर असलम उर्फ मोटा, संजू राठौर, राजकुमार खटिक, बदमाश रिंकू उर्फ रूपेश चौधरी, गुंडे सत्यनारायण कालू, धर्म ठाकुर और नाबालिगों के शोषण के आरोपी प्यारे मियां के अवैध निर्माण पर कार्यवाही की जा चुकी है। इतना ही नहीं, प्रशासन ने कंप्यूटर बाबा और उनके करीबी रमेश तोमर के अवैध निर्माणों को भी ध्वस्त कर दिया। आज द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में 2 अपराधियों के अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई है, जिसमें से एक तो पूरी हो गई है। जो रघुवीर सिकली घर की थी, उसको हम लोग अभी अभी तोड़ के आए हैं। और ये दूसरी कार्रवाई इसी थाना क्षेत्र में है, जो बबलू पंक्चर का मकान है, ये भी बड़ा अपराधी है। और बस अब कार्रवाई, इसको हम घर खाली करा रहे हैं। खाली कराने के बाद तोड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि ये छल प्रपंच हैं, जो अपराधियों के हैं, ये सब छल प्रपंच चलेंगे नहीं। ये यही होता, अभी भी यहाँ भी आप देख रहे हैं कि जहाँ भी जाते हैं महिलाओं का उपद्रव और अशांति, ये सब होता है, स्वाभाविक है। ये जिसका मकान टूटता है उसको तकलीफ होती है, वो 50 तरह के झूठ बोलता है, 50 तरह की बातें करता है। लेकिन हम लोगों का टारगेट सब पहले से सेट है। एक एक में हमारा बहुत अच्छी तरह से सर्वेक्षण हमारा किया हुआ है, पुलिस से सूची प्राप्त हुई है और उसके बाद नगर निगम ने बहुत विधिवत बारीकी से जांच की है, उसके बाद ही नगर निगम कार्रवाई कर रहा है। पुलिस वाला न्यूज से स्टेट ब्यूरो हेड अनिल भंडारी की रिपोर्ट।